सो वर्ट इज के हाल चाल आपके आप अच्छा तो वीडियो में बारे में हालांकि ये जो कार है, से सेम लगती है आ, ब्रेजा जैसी पर अब आज हम अंदर से बात करेंगे कि अंदर से क्या कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कैसा है इसका स्टीरियो सिस्टम कैसी है इसकी स्टीरियो की आउटपुट और क्या कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं एम में और साथ ही साथ म्यूजिक सिस्टम के अंदर तो चैनल पर जो जो नए आ गए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे इस टाइम और शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना टाइम वेस्ट किए तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक सामने इसकी चाबी और चाबी में आप देख सकते हैं टेरोटा की बैजिंग एंड सेंटर लॉकिंग वाली कार है ये टॉप वेरियंट के अंदर हम बैठे हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले जो है हाईलाइट फ्रंट स्पीडोमीटर मैं दिखा देता हूँ स्पीडोमीटर मीटर कुछ इस तरह का है इसका और स्पीडोमीटर की जो वाइट लाइट है वो जो है काफ़ी प्रीमियम लगती है इस कार के अंदर लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाएगी आर पी एम लिमिट्स राइट एंड साइड जो है आपको स्पीड इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा इसका स्टेयरिंग आप देख सकते हैं आप स्टिचिंग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हुई हुई है साथ में स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल देख सकते हैं टोयोटा की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एयर बैग्स वाला मॉडल है ये एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है साथ में क्रोम की फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी स्टेयरिंग के ऊपर तो इस तरह का कुछ इसका स्टेरिंग है काफ़ी अच्छा लगता है और फील बहुत अच्छी है इसकी टच करके आप देखना साथ में नीचे भी आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं कॉल आंसर डिक्लाइन एंड वॉइस रिकोगशन का तो ओवरऑल ये सारे फीचर्स जो हैं स्टेरिंग पे आपको देखने को मिल रहे हैं एंड जो है अपना आप कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं साथ में स्टीरियो को भी कंट्रोल कर सकते हैं डैशबोर्ड कुछ जिस तरह का है ब्लैक फिनिश के साथ अब आ जाते हैं स्टीरियो सिस्टम की तरफ तो स्टीरियो सिस्टम इसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा एंड कलर्स की बात करूँ कलर्स बहुत ही अच्छे लगे मेरे को इसके टच स्क्रीन के साइड में आपको जो है टच टच पैड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है बात कर लेते हैं साथ में यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश देखने को मिल जाएगी ऑटोमेटिक ए सी एंड ये इसके तरह के बटन्स हैं बटन्स जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे प्रीमियम है टच करेंगे आप आपको पता लग जाएगा मैं किस तरह किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बटन्स अच्छे हैं स्मॉल डिस्प्ले आपको नीचे देखने को मिल जाती है ए सी के लिए एंड क्रोम क्रोम की फिनिश जो है हल्की हल्की दी गई है ए सी वेंट्स के पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं टच पैड रिस्पॉन्सिव है बीप की साउंड आती है अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स में सेटिंग्स में आपको ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं मोड सेट कर सकते हैं डे नाइट का एंड डे टाइम सेट कर सकते हैं व्हीकल अलर्ट सेट कर सकते हैं कहाँ पे आपको अलर्ट्स चाहिए कहाँ पर नहीं चाहिए सीट बेल्ट के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए पावर अपना ब्रेक्स के लिए चाहिए लो फ्यूल के लिए चाहिए नहीं चाहिए ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मेरे को कि हम अपने हिसाब से अलर्ट्स जो है सेट कर सकते हैं बार बार तंग नहीं करेंगे लॉक की पैड वाइल्ड ड्राइविंग अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कीपैड लॉक करना चाहते हैं तो ये भी फ़ीचर है इसके अंदर स्क्रोल डाउन थ्रू स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स ये भी आप सेट कर सकते हैं स्टेयरिंग व्हील से चलेगा अनचेक चेक कर सकते हैं और सिक्योरिटी सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर जिसमें कि आप अपना पिन सेट कर सकते हैं तो ये कुछ यूनिक फ़ीचर्स लगे मुझे जो कि मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ सिस्टम इंफॉर्मेशन में चलते हैं तो यहाँ पे आपको वर्ज़न पता लग जाएगा कौन सा चल रहा है अब आ जाते हैं साउंड सेटिंग्स की तरफ तो साउंड सेटिंग में सबसे पहले आपको बेस का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेस आप सेट कर सकते हैं मिट्स कैसे रखने हैं आपको और ट्रैवल तो हम यहाँ पर सब कुछ इक्वल कर देते हैं जिससे कि आवाज़ जो है हमें अच्छे से पता लग जाएगी टेस्टिंग के टाइम ये आप बैलेंस वगैरह सेट कर सकते हैं कहाँ से आवाज़ ज़्यादा नहीं चाहिए कहाँ से कम इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड वॉल्यूम सेटिंग्स में ये है कि कॉल पे आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए रिंग टोन पर आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए तो ये सब सेट कर सकते हैं स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम में जाके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं स्पीड के साथ अप डाउन होती रहेगी वॉल्यूम एंड ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा साउंड भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं एंड रिवर्स के दौरान वॉल्यूम कैसी रखनी है तो ये आप ऑन करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी ये रिवर्स के हिसाब से चलेगा इंटेलिजेंट सिस्टम कह लो इसको आप ये ट्यूनर सेटिंग्स हैं ये सब एफ वगैरह के लिए हैं इसके हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ये आप चेक एंड चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से स्मार्टफोन के एक्टिविटी में जाते हैं तो आपको स्मार्टफोन लिंकेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है साथ में आप अपना डिवाइस जो है रीनेम कर सकते हैं एंड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के अंदर है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को फ्रंट डिस्प्ले कुछ इस तरह की है टाइम आपको देखने को मिल जाता है और अब फटाफट से जो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें मोड्स कौन से हैं एफ है ए एम है डी आर एम है यू एस बी ब्लूटूथ एंड ऑक्स तो ये सब आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अब हम एक गाना प्ले करेंगे फटाफट से जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसका जो है ब्लूटूथ सिस्टम काउंट करता है तो पेयर कर लेते हैं अपना डिवाइस एंड फटाफट से मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटीज की काफ़ी फास्ट है कुछ ही सेकेंड्स में जो है मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया और अब ब्लूटूथ मोड में जाना है अपने बेसिकली और गाना हम प्ले कर देते हैं वॉल्यूम अप करके

दोस्तों जैसा कि आपने सुन लिया कि इसकी आवाज़ जो है काफ़ी अच्छी है मिड्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को एंड ट्रैबल भी ठीक ठीक है और बेस जो है फेक बेस नहीं है अच्छी वाली बेस आपको इसके अंदर सुनने को मिल जाती है एंड फ्रंट डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं होम स्क्रीन जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आप होम स्क्रीन से ही चला सकते हैं प्ले पोस्ट कर सकते हैं अपने गानों को और स्क्रीन का साइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है माइलेज वग़ैरह भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी तो ओवरऑल जो जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक इसमें ही आपको देखने को मिलेगी इसका टच स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन जैसे कि मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे एक ऑफ का बटन भी है जब आप इसे दबा देंगे तो इसका डे टाइम शो करेगा और ये भी एक प्रीमियम फीचर में ही आ जाता है और अच्छा लग रहा है देखने में अब थोड़े से हम इंटीरियर्स की भी बात कर लें तो इंटीरियर्स भी अच्छे लगे मेरे को साथ में सेटअप दिखा देता हूँ मैं आपको तो यहाँ पर ट्विटर्स का सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा स्पीकर्स का जो है नीचे देखने को मिल रहा है तो इसलिए आवाज़ और इसकी जो क्रिस्पीनेस है आवाज़ की वो अच्छी लगेगी आपको सारे कंट्रोल आपको यहाँ लाइट्स के लिए देखने को मिल रहे हैं फ्रंट से आपको कुछ इस तरह की लगेगी और ये जो है ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल रहा है फ्रंट में लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है प्रोजेक्टर लाइट्स एंड एल ई के साथ अब बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का है साइड में आपको बटन्स जो है देखने को मिल जाएंगे क्लासिक टाइप के उसके थ्रू आप इसे कं कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आप ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं एवरेज देख सकते हैं और ट्रिप सेट कर सकते हैं ट्रिप्स के मोड आप बना सकते हैं और ये सब इसमें आपको फीचर देखने को मिलेंगे होप्सो आपको वीडियो पसंद आई है पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज लाता रहता हूँ आप सभी के लिए मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में टिल देन के लिए बब्बा